आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव नाने मऊ में आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जहां पर छत पे नव निर्माणाधीन घर के लेंटर का जाल बांध रहे मिस्त्री और मजदूरों को अपना शिकार बनाया, जिसमें रामसेवक नाम के राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गांव के ही फौजी के घर की दूसरी मंजिल पर कार चल रहा था, तभी तेज आंधी के कारण छत पर काम कर रहे मजदूर व घर के मालिक का बेटा भी घायल हो गया। मौके पर पहुंचे SDM व CO सिरसागंज मौके पर पहुंचे, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। देखते हैं ब्रजेश राठौर की ये रिपोर्ट। कि हमारे CO साहब भी हैं, हम सभी लोग यहाँ पर हैं। लगभग 2:30 बजे दिन में जो है बहुत तेज एकाएक आंधी आई जी, और उस समय जो है यहाँ पर एक मकान के लिंटर की तैयारी हो रही थी, उसके लिए जो है लोग जाली वगैरह बना रहे थे, उस पर 4 लोग काम कर रहे थे। एक तो स्वयं मालिक थे, शेष 3 मजदूर थे। उस पर मजदूर जो है वो राम सेवक उर्फ पप्पू पुत्र, क्या नाम था उसका, रति राम थे। लगभग वो एकाएक नीचे गिरे और उनका सर जो है ईंट से टकराया, उनकी डेथ हो गई। शेष 3 भी नीचे गिरे, लेकिन चूंकि जाके कच्ची जमीन पर गिरे इसलिए जो है वो घायल हुए हैं। इन घायलों को जो है सिकोहाबाद में भर्ती करा दिया गया है। खड़े अपने यहाँ पे खेत पे तो एकदम आंधी का इतना तेज झोंका आया कि हमने देखा तो 3-4 लोग ऊपर से इतनी जोर से गिरे नीचे आके, एक उसमें एक्सपायर हो गया। चाचा बोल रहे थे कि मतलब नीचे आ जाओ सब लोग, इतनी देर में मतलब सब क्या कर रहे थे ऊपर? ऊपर काम चल रहा था मकान का, मकान जाल बांध रहे थे ये लोग, मिस्त्री वगैरह ये लोग थे। मैं नीचे खड़ा था इधर साइड में, तब तक मतलब हवा आई तेज और ये सब लोग नीचे गिर पड़े।